सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। महाराष्ट्र के धुलिया, जलगांव, नासिक और नंदुरबार जिले में अहिराणी भाषा बोली जाती है और इस अहिराणी भाषा में इस फिल्म की निर्मिति हुई है और साथ ही साथ मराठी में भी इसे बनाया गया है। ये बड़े स्तर पे 100 से भी अधिक थिएटरों में प्रदर्शित होने वाली पहली खानदेशी फिल्म होगी और इस फिल्म का संगीत मराठी के मेलोडी किंग अविनाश विश्वजीत और श्री श्याम क्षीरसागर इन्होंने किया है। इस फिल्म में हरिहरन जी की एक हिंदी गज़ल है जो हिंदी भाषिकों को तो पसंद आएगी ही आएगी और साथ ही में इसमें 12 गायक, 2 संगीतकार और 6 गीतकारों का योगदान है। एक भरी पूरी ऐसी संगीतमय फिल्म है, आप इसका ज़रूर आनंद उठाइए। हिंदी भाषिकों से मैं कहूँगा कि हरिहरन जी की एक अजीब सा खालीपन ये गजल आप जरूर देखिए, आपको बेहद पसंद आएगी। भाषा से पिक्चर तैयार हुई है लेकिन पहली बार अहिराणी जो भाषा बोली जाती है, 1 करोड़ लोग इस भाषा में बात करते हैं, उसका पहली बार संगीत का एल्बम का यहाँ पर उद्घाटन हुआ है और मुझे लगता है कि खानदेशवासियों का इसका बहुत आनंद होगा क्योंकि उसमें खानदेश का सब्जेक्ट है या किसानों का सब्जेक्ट है, व्यसन का विषय है, इस सभी विषयों को एक साथ लेकर एक पिक्चर बनाया गया और गाने उसमें तैयार किए गए, इसलिए ऐसा लगता है कि इस पिक्चर से आने से, गाने आने से सब खानदेशवासियों को इसको बहुत बड़ा आनंद होगा। जी ने इतनी बढ़िया कमाल की गज़ल गाई है, मेरे ख्याल से 15-20 सालों से जगजीत सिंह साहब के बाद में फिल्मों में गज़ल नहीं आई है और ये उर्दू लहजा वाली ये गज़ल जो है जो हमारे योगेश जी ने लिखी है, बहुत कमाल। अरसों तक मतलब हमको ये फिल्म तो यादगार बनेगी लेकिन ये गज़ल भी हम सभी के लिए एक यादगार लम्हा, हम जब भी उसको सुनते हैं तो एहसास कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये पसंद आएगी, ज़रूर पसंद आएगी। बाविस्कर आणि मी समाजसेविका आहे। एक वेगळ्या धाटणीचा मोल चित्रपटाचा आज आपण संगीत अनावरण करतोय आणि इतके दिग्गज मान्यवर या कार्यक्रमाला उपस्थित झाले त्याबद्दल मी सगळ्यांचे आभार मानते आणि तुम्हा सर्व पत्रकारांचं, सर्व चॅनल्सवाल्यांचे सुद्धा मी धन्यवाद देऊ इच्छिते की कारण धोधो बरसणारा पाऊस, एवढ्या प्रचंड पावसामध्ये सगळ्यांनी येऊन आणि या मोल चित्रपटाचं खरोखर मोल वाढवलं त्याबद्दल मी तुमचं सगळ्यांचं खूप मनापासून आभार मानते। चांगला होता हा सिनेमा, माझा पहिला सिनेमा आहे, यानंतरही मी बरेच कामं केली पण हा मोठ्या कॅमेऱ्यासमोर पहिल्यांदा फेस मी हाच सिनेमा केला। हा सिनेमा मला खूप जवळचा आहे कारण की मी पण खानदेशीच आहे आणि पहिल्यांदा 2 भाषेत एकच सिनेमा बनला आहे, तर या गोष्टीचा मला खूप आनंद आहे की या सिनेमाची मी पण हिस्सा आहे आणि खूप सुंदर कॅरेक्टर मला यावर प्ले करायला मिळालं आणि आज पहिल्यांदा मी योगेश सरांना थँक्यू म्हणते की तुम्ही ह्या कॅरेक्टरसाठी माझी निवड केली। सो थँक्यू सो मच सगळ्यांनी, हा सिनेमा नक्की। महाराष्ट्रात अनेक भाषा, उपभाषा बोलल्या जातात पण आमच्या म्हणजे नॉर्थ महाराष्ट्रामध्ये, उत्तर महाराष्ट्रात बोलली जाणारी खानदेशी संस्कृती कधीच या मराठी सिनेमात आलेली नव्हती आणि हा पहिला खानदेशी संस्कृतीचा सिनेमा आणि यामध्ये मी अनेक वर्षापासून नाट्यक्षेत्रात काम करतो आहे, सिनेमात अनेक छोटे मोठे रोल केले पण या सिनेमात मी प्रमुख खलनायक या रूपात तुमच्यासमोर येणार आहे। खूप चांगला सिनेमा आहे, खूप संदेश चांगला देऊन जाणार आहे, तरी सर्वांनी नक्की या सिनेमाला यायचं आहे, बघायचं आहे। नक्कीच तुम्हाला या सिनेमातून तुमच्या घरातलं कोणीतरी व्यक्ती किंवा कोणीतरी शेजारचं हा व्यसनमुक्त नक्की होणार आहे हा सिनेमा बघून, अशी मला खात्री आहे। तुम्ही सर्वांनी सिनेमा बघावा।
रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, बदले सोच समय के साथ।